जय राधे जय श्री राधे। एक बात बताता हूँ, बचपन, हाँ बचपन पता है कितने वर्ष का होता है? जितने भी वर्ष का हो, लेकिन अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है बचपन 14 वर्ष का होता है, 0 से लेकर 1 से लेकर 14 वर्ष तक, ठीक है। और 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए माइंड पे कोई लोड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लोड नहीं होना चाहिए, मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई व्यायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? जिम एक्सरसाइज जो कहते हैं ना, उसमें से कुछ नहीं होना चाहिए उनके लिए, एकदम उनके लिए खेल होना चाहिए। क्रिकेट खेलता है, गिद्रा गुड़कौंद या कोई भी खेल अगर वो खेल रहे हैं तो वो परफेक्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि केवल हम जिम करने जाएंगे, केवल हम एक्सरसाइज करेंगे, केवल हम रनिंग करेंगे, तो वो बहुत ही ख़राब है, वो बच्चों के लिए है ही नहीं। बच्चों के लिए पता है क्या है? बच्चों के लिए ये है कि वो खेले कूदे, वो कभी थकता नहीं है। अगर उसके अंदर बच्चे का सारी क्वालिटी है तो बच्चे का डिक्शनरी में है कि बच्चा कभी थकता नहीं है, क्योंकि वो कफ के प्रभाव में ज़्यादा रहता है, इसीलिए उन्हें खेलना कूदना चाहिए। अब वो खेल में कुछ भी हो सकता है, जो भी खेल हो वो खेल खेले, वो एक्सरसाइज करे ना, वो एक्सरसाइज ना करे, वो जिम ना करे, वो सिर्फ रनिंग ना करे, उन्हें कहते हैं बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं। आप कुम्हार की तरह पेशा हैं, आप उनको धीरे धीरे आकार दें बचपन से, और 14 वर्ष तक आप उनको एक अच्छा खासा आकार दे पाएंगे। उसके बाद वो जो भी खुद से पढ़ेगा, खुद से लिखेगा, खुद से करेगा, उसमें वो बहुत आगे तक जाएगा। और ज़रूरी नहीं है किसी एक चीज़ में आगे जाए, वो बहुत चीज़ों में आगे जा सकता है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर कोई हर चीज़ में आगे जाए, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो बच्चों को एकदम फ्री माइंड से पढ़ाओ, उसको कभी ये मत बोलो ये तुमको याद करके आना है तो आना है, ऐसा नहीं। आप बस उसको पढ़ाइए, आप बस उसको समझाइए, उनको समझ में आता है, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कभी कभी याद नहीं हो पाता, इसलिए उनके मन में डर रहता है, वो बहुत ही ख़राब करता है, जहर की तरह काम करता है। तो क्या होता है कि बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा होता है, अब डेवलप के समय में अगर उसको स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, तो माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आप कहीं ना कहीं उसके विकास में हस्तक्षेप कर रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, वो भी केवल छोटी मोटी बातें याद कराने के लिए। आप सोचते हैं कि जी याद कर लेगा तो तेज़ हो जाएगा, अरे भाई वेट करिए कम से कम 14 वर्ष, जब 14 वर्ष के बाद देखिएगा क्या होता है, ठीक है। तो आप उनको जो भी पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, है ना, रिपीट कर करके पढ़ाइए, मगर कभी गुस्सा नहीं करेंगे उनके ऊपर, कभी उनको ये नहीं आप महसूस होने देंगे कि आप गुस्सा करते हैं, कि जब उनको याद नहीं होता है, उनको डांट पड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कभी नंबर मत दीजिए, ये तुम फर्स्ट है, तुम सेकंड है, या तुम तो फेल है, तुम तो किसी काम का नहीं है, या तुम तो जीनियस बनेगा, ऐसा ऐसा मत बोलिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो और भी बहुत सारा बच्चों के लिए है, और बच्चों को खासकर क्या करना चाहिए, सही टीचर उनको दीजिए, सही पढ़ाई लिखाई दीजिए, है ना। तौर तरीका होता है बच्चों का, जैसे कि इन लोगों का देख लीजिए, इन लोगों का मस्ती वाला ज़िंदगी रहता है। छोड़िए ये नहीं, क्या बोल रहा था मैं, बच्चों के बारे में। तो बच्चों को जो इतना बोला वो सब, और उनको सही खान पीन दीजिए, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, सही समय पे सही खाना, क्योंकि हम लोग बच्चों को खिलाते तो हैं महंगी चीज़ें खिलाते हैं, जबकि वो महंगी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सस्ती चीज़ों की आवश्यकता थी, और सही समय पे उसको खिलाने की आवश्यकता थी, सही तरीके से खिलाने की आवश्यकता थी, लेकिन हम लोग उनके बस पास में डाल देते हैं, लो खुद देखा लो, और खुद चले जाते हैं। अब पता है क्या करने चले जाते हैं, ताश खेलने चले जाते हैं, या यूं ही बहुआने चले जाते हैं, या खैनी बना के खाते हैं, या टीवी देखते हैं, पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे होते हैं। उन बच्चों को पालने से बड़ा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है।
और और भी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि आप बच्चों को लिए जोड़ सकते हैं। तो मैं आगे चल के कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एडवांस वीडियो बनाने के लिए। और इससे है कुछ लोग, हाँ विवेक बिंद्रा जी हैं, उन्होंने एक वीडियो बना रखा है बच्चे के ऊपर, तो वो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओके बाय।